इसे भाभी बैठे दिल्ली में ही आ रहा, मैं तो सोच भी नहीं सकता ऐसा कुछ करने का। उस दिन उसके कमरे में क्या करने आए थे? चुगनू को देखने गया था। से प्यार करते थे इसीलिए देखने गए थे ना? मैं उससे प्यार, मैं प्यार करता था उससे, लेकिन उसने मुझसे कभी मोहब्बत नहीं की। ये जानते हुए कि उसकी गुड्डू से शादी हो रही थी, फिर भी गुड्डू से शादी कर रहा था, लेकिन वो उसको देखने नहीं जा रहा था, इसलिए आप चले गए। मैं और क्या करता, उसकी तकलीफों का सुन के बेहस बन जाता। कैसी तकलीफ? मैंने अपने मुझे सब कुछ बता दिया था। सब कुछ क्या? यही कि उसके जिस्म पे चोटों के निशान हैं, जो आप लोग सब छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। वजह भी मालूम होगी ना? पर वजह जानता हूँ, इसीलिए तो आज यहाँ हूँ मैं। कर लिया ना कबूल? कबूल कर लिया है ना? मैंने कुछ नहीं किया है। तो फिर किसने किया है? मुझे जवाब चाहिए, किसने किया है? दलाल भाई ने। दलाल? दलाल का नाम कैसे ले सकते? अभी ऐसे सच बड़े नामों से ही जुड़े होते हैं। और कोई जानता है इस बारे में? हाँ, रोशनी। पर मुझे मुझे रोशनी ने कुछ नहीं बताया। इसलिए क्योंकि वो गुड्डू से शादी करना चाहती है। इसका मतलब? मतलब ये कि तलाल भाई ने उसको रोका है। तो रोशनी ने बताया ये सब? नहीं, लेकिन मैंने उसको फोन पे बात करते सुना। आप ये बात जानते हैं ना कि अगर आपकी बात झूठी दिख ली तो आपके साथ क्या हो सकता है? मैं तो ये सोच रहा हूँ, अगर ये सब कुछ सच निकला तो आप क्या करेंगे?